नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन बाद हम दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। हम जा रहे हैं मुंबई मेल में, हावड़ा मुंबई मेल में हम जा रहे हैं। अभी हावड़ा से रायपुर तक जाएंगे। अभी तो ये जो हम लोग बुकिंग किए हैं, ये थर्ड एसी इकोनॉमी, इनका कोड जो है एम है। तो इसमें जो बर्थ नंबर जो है कोच ना कोच जो है एम कोच है और थर्ड एसी इकोनॉमी है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए एकदम टोटली नया कोच है। हम लोग एक्सपेक्ट तो किए थे, लेकिन इतना साफ सुथरा और इतना अलग प्रकार कोच एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो सोचे कि हम लोग सोचे एक अलग सा इस कोच का एक रिव्यू बनाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कैसे क्या है। अभी जस्ट हम लोग रायपुर के लिए स्टार्ट किए हैं। अब तो हावड़ा छोटा है, ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स का है। और अभी हम देखते हैं कैसे क्या इस कोच का विशेषता क्या है, क्या फैसिलिटी है, और जो ऑर्डिनरी थर्ड एसी के तुलना में इसका क्या डिफरेंस है। ये देखिए शुरू करते हैं हम लोग, जो हम लोग कोच है वहाँ जो बर्थ है वहाँ शुरू करते हैं। देखिए ये जो बर्थ है, ये अपर बर्थ, देन यू हैव द मिडिल बर्थ, और ये है लोअर बर्थ। तो तीन जैसे बर्थ होता है ऑर्डिनरी, ऐसे ही बर्थ है थर्ड एसी में जैसा रहता है। तो बर्थ स्पेशलिटीज क्या है, ये बर्थ थोड़ा सा आपका जो चौड़ाई में थोड़ा छोटी है, इस विड्थ में थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू आपका थर्ड एसी का जो पार्ट होते हैं। लेकिन साफ सुथरा है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे एक्स्ट्रा, लेकिन और लेग स्पेस में कुछ खास अंतर तो दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सेम लेग स्पेस भी उतना ही है। स्पेशलिटी जो है, और एक यहाँ पर देखेंगे एक फोल्डेबल यहाँ पर है, हर पार्ट के लिए एक फोल्डेबल वो लोग बॉटल होल्डर दिए हैं। यहाँ पर भी है मिडिल पार्ट के लिए और अपर पार्ट के लिए भी है, इधर है अपर पार्ट के लिए यहाँ पर है। साथ में जो स्पेशल और चीज़ है कि यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हर के लिए एक रीडिंग लैंप दिया गया है, हर एक बार्ट के लिए रीडिंग लैंप, और रीडिंग लैंप के साथ साथ वहीं पर आपका यूएसबी चार्जर भी है मोबाइल चार्ज करने के लिए। और ये मोबाइल चार्ज करने के लिए एक अलग सा एक यहाँ पर जो आपका मोबाइल होल्डर दिया गया है। सेम एट द सेम टाइम यहाँ पर देखेंगे एसी वेंट दिया हुआ है, हर एक बार्ट के लिए अलग अलग अपना एसी वेंट दिया हुआ है। यहाँ पर एसी वेंट दिया हुआ है, आप बढ़ा सकते हैं, कमा घटा सकते हैं, जो एसी वेंट है। बाकी जो है ये आपका एक रैक दिया हुआ है, यहाँ पर रैक दिया हुआ है होल्डर के लिए, नीचे भी जैसे एक फोल्डेबल रैक दिया हुआ है नीचे भी, काफ़ी अच्छा। ये जो आईना है ये दिख रहा होगा शायद आपको, तो ये काफ़ी अच्छा है, आईना भी काफ़ी अच्छा है। बाकी इंटीरियर बहुत सुंदर है, इंटीरियर काफ़ी अलग सा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। और हर में लीडिंग लैंप है, फोल्डेबल यहाँ पर आपका ट्रे है, और खासियत यह है कि फोल्डेबल ट्रे जो है ना, ये आपका जो इसमें भी दिया हुआ है, आपका जो साइड अपर लोअर जो है उसमें भी दिया हुआ है फोल्डेबल ट्रे। जनरली क्या पहले क्या है, फोल्डेबल ट्रे उसमें नहीं होता था। अब देखिए आप पैसेज देखते हैं, पैसेज देखिए, पैसेज काफ़ी स्ट्रेट पैसेज तो है, साथ साथ लाइट बहुत बढ़िया है, सिंगल स्ट्रेट लाइट दिया हुआ है। और पैसेज में दो तरफ आपका इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे रात को जो नाइट टाइम जलेगा तो उसमें रिफ्लेक्टर रहेगा, तो यू कैन मेक इट आउट कि आपका स्पेस कहाँ है, चलना कहाँ पर है, ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। पैसेज काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं विंडोज़ देखते हैं, जो डोर्स हैं डोर में देखेंगे, डोर में स्लाइडिंग डोर है, स्लाइड हो गया डोर, स्लाइडिंग डोर है, तो स्पेस एकदम कम रहता है, हम लोग बाहर आ गया है इसलिए हो सकता है मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम आया होगा आपको, बट स्टिल अगर देखता हूँ पूरा। तो ये देखिए ये विंडोज़ डोर काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छे डोर है। और यहाँ पर कुछ ऐसे है वेस्टिब्यूल जैसे कहा हुआ ऐसे ही है वेस्टिब्यूल, तो स्पेसिफिक अलग कुछ है नहीं, वेस्टिब्यूल ऐसा ही है। और देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बेसिन, ये है बेसिन है जो कि देखिए छोटा सा है, तो छोटा किया गया है लेकिन है ठीक है हाथ धोने के लिए। ओके नीचे इसका चलाने के लिए था लेकिन वो बंद करके वो लोग ऊपर से यहाँ पर नल लगा दिए हैं। ये देखिए एक हैंडीकैप टॉयलेट दिया गया है, जो पहले हैंडीकैप टॉयलेट यहाँ पर है, थोड़ा सा अलग प्रकार का है। देखेंगे ये देखिए हैंडीकैप टॉयलेट है, ये काफ़ी अच्छा हैंडीकैप टॉयलेट, गाँव से खुले भी रहता है हैंडीकैप टॉयलेट है। हम लोग जो M2 में है, तो M2 में ऐसे खड़ा हुआ है लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जैसे ही आप विंडो दरवाजे से आके बाहर
बाहर आते हैं स्पेस में, तो आपको पता चलता है कि आप M2 में हैं, अलग से लिखा गया है। और देखिए यहाँ पर आपके पास सर्वेलेंस कैमरा दिया हुआ है, CCTV कैमरा है, यहाँ पर एक है आपके जहाँ वॉश बेसिन के पास। फिर यहाँ पर आप जहाँ पर एंट्री कर रहे हैं गेट से, तो यहाँ पर भी एक आपका कैमरा दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग टॉयलेट, देखिए टॉयलेट बहुत बढ़िया है। टॉयलेट में देखिए ये है आपका टॉयलेट है, ठीक है, नीचे स्पेस दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ कुछ देखने के लिए। और पैर के लिए देखिए ये है आपका जो नीचे में यहाँ पर आपको फुट प्रेस दिया हुआ है, ये इसी को दबाएंगे तो आपको पानी, जैसे दबाता हूँ तो यहाँ पर पानी आ रहा है, देखिए तो साफ सुथरा है। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर दिया हुआ है, यहाँ पर रैक होल्डर दिया हुआ है, रैक्स है, देखिए रैक दिया हुआ है यहाँ पर साइड में, तो आप कपड़ा टांगने के लिए या ये रैक्स अगर कपड़ा टांगने के लिए, ठीक है ना। और साथ में आपका जो है यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं। अंदर से देखिए काफ़ी अच्छा है, अंदर से अगर देखेंगे अंदर से ये आपका देखिए फ्लश है, दो फ्लश है, एक इमरजेंसी फ्लश है, ये वाला इमरजेंसी फ्लश है और ये ऑर्डिनरी फ्लश है, और बायो टॉयलेट तो है ही, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। देखिए यहाँ पर आपका टॉयलेट अगर एंगेज है तो यहाँ पर जैसे एंगेज है तो आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर्स है कि यहाँ पर टॉयलेट एंगेज है या नहीं है, क्योंकि एंगेज नहीं इसलिए यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, कोई एंगेज रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड हो जाती है। और इसका खासियत और एक चीज़ है आखिरी में देखिए ये 83, 82 और 81 ये तीन अलग अलग कोच बार्ट है जो अलग से दिया गया, जैसे आपका सेकेंड एसी में दो कोच होता है, दो बार्ट होता है एकदम अलग सा, ठीक वैसा ही आपका थर्ड एसी इकोनॉमी में भी ये लोग तीन अलग अलग कोच बार्ट दिए हैं जो एकदम साइड में है। तो अगर फैमिली जाए, तीन लोगों का फैमिली है या फ्रेंड्स हैं तो वो लोग ये बुक करेंगे 81, 82, 83, तो ये अलग से एक सेपरेट कोच के हिसाब से वो लोग जा सकते हैं। अब देखिए और एक जो चीज़ हमें छूट गया था वो है हमारा यहाँ पर स्क्रीन, एक है यहाँ पर जो विंडोज़ में एक स्क्रीन दिया हुआ है, तो इस स्क्रीन को आप बंद कर देंगे तो यू विल हैव द कंप्लीट मीन्स जो आपका सनरेज होते हैं, द सनरेज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इनसाइड, ये चीज़ है आपका सनरेज के लिए है। और साथ साथ स्क्रीन का बीच में भी लॉक है, देखेंगे बीच में लॉक है तो आप आधा स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, आधा यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ सनरेज को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बाकी तो यहाँ पर मुझे कोई खास ख़राब तो नहीं लगा है, लेकिन ये तो मैं दिखाया हूँ ऑलरेडी, दिस इज़ द मोबाइल होल्डर, तो USB चार्जर है वहाँ पर जो मोबाइल जो चार्ज करते हैं, जहाँ पर हमारा लाइट्स है, लाइट्स के बाजू में वो यहाँ पर आपका USB चार्जर है जो मोबाइल को चार्ज करने के लिए। देखिए अभी हम लोग जो देखे हैं इसका बात किए हैं, इसका रिव्यू दिए हैं कि हाउ इट इज़ कैसा है, कैसा अलग कैसा है, जो नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं जो जाते हैं थर्ड एसी में, थर्ड एसी के साथ इसका क्या डिफरेंस है। एक और डिफरेंस मैं दिखाना भूल गया था, थर्ड एसी में नॉर्मल थर्ड एसी में क्या होता था, आपका जो सिक्स का जो इनसाइड सी बार्थ होते हैं जिसको कूप बोलते हैं, और आपका जो आपका जो साइड अपर और साइड लोअर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता था, पैरेलल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। देखिए ये यहाँ पर जो है साइड पार्ट जो है, देखिए साइड पार्ट, देखिए मेरा ठीक सामने ये हमारा पार्ट है, यहाँ पर ठीक मैं दिखा रहा हूँ, ठीक सामने देखिए इसका एक साइड वर्ट खत्म होता है, मतलब साइड वर्ट यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर खत्म हो गया, फिर एक साइड वर्ट शुरू होता है, मतलब यहाँ पर क्या सिमेट्रिकल नहीं है साइड वर्ट जो है, ये साइड वर्ट सिमेट्रिकल इसलिए नहीं है कि सामने में जो आपको मैं दिखाया हूँ तीन अलग अलग कूप बाट दिखाया हूँ जिसको से हाफ कूप तैयार किए हैं, उसके साथ भी एक साइड वर्ट दिया गया है, इसीलिए इसका जो साइड वर्ट जो है सिमेट्रिकल नहीं है। अदरवाइज साइड बर्थ का भी लेंथ जो है बढ़िया है, मुझे इसका भी तो लेंथ मुझे अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोअर बर्थ का या जो साइड इनसाइड बर्थ का जो होता है लेंथ, मुझे लग रहा है उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, हालांकि सोने के बाद ऑफकोर्स सोने के बाद पता चलेगा, लेकिन देख के लगता है कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बैठे हुए तीन लोग बैठे हुए तो जो स्पेस दिख रहा है हमको तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब तुम बोलो कुछ इसका जो ड्रॉबैक्स कुछ पता चला क्या है? नहीं ऐसे तो कोई ड्रॉबैक्स तो कुछ है नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, बस पेट्रोल नहीं दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दर्द हो गया। आने के टाइम हम लोग सेकेंड एसी में आए तो हम लोग पेट्रोल नहीं लाए,
तो जाने के टाइम हम सोचे थे ठीक है ना, थोड़ा इकोनॉमी क्लास की देख लेते हैं कैसा है ऐसा। कोच तो बहुत अच्छा है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, बाथरूम में भी, इनफैक्ट बाथरूम में मैं गई थी तो बाथरूम में भी वहाँ पे शेल्फ दिया हुआ है, तो शेल्फ कॉर्नर शेल्फ जैसा दिया हुआ है बाथरूम में, तो चीज़ तो बहुत अच्छा है। लेकिन बस पेट्रोल का अगर अरेंजमेंट हो जाता। हाँ, वेट रोल नहीं है एक्चुअली, मेरे पास में भी SMS आया था जस्ट ट्रेन का चार्ट प्रिपरेशन के बाद मेरे पास SMS आया कि वेट रोल एंड रिलियन विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन थर्ड एसी इकोनॉमी, काइंडली अरेंज फॉर योर सेल्फ एंड ऑल। तो ये क्या है, एट द टाइम वी आर ऑन द ट्रेन, हम लोग दूसरे लोकल ट्रेन में थे इसलिए हम लोग को पता भी नहीं चला, अदरवाइज निकल घर से निकल रहे थे तो ले लेते। तो लेकिन ये एक ड्रॉबैक है मेरे ख्याल से, जो क्यों नहीं दे रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ कोरोना और इज इट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द थर्ड एसी इकोनॉमी, आई डोंट नो। अगर वो पॉलिसी थर्ड एसी इकोनॉमी का है तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बेडरोल रहेगा या ऑप्शन रहे इंडिविजुअल के पास कि अगर वो ऑप्ट करे विथ जो भी पेमेंट होता है 100-150 रुपये जो भी लेते हैं वो लोग, तो वो पेमेंट करके अगर वो लोग ले रहे हैं तो एक ऑप्शन होना चाहिए, सो दैट पीपल इफ दे विश दे कैन ऑप्ट फॉर दिस। बहुत इम्पोर्टेंट, अदरवाइज क्या है कि ठंड रहती है तो ठंड में विदाउट तो एक लगेज एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एक डिफिकल्टी था कोरोना के टाइम, हम लोग जब भी ट्रेवल किए हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा लगेज होता था, तो वी थॉट दिस टाइम लाइक वंस कोरोना इज नॉट देयर इफ यू आर ट्रेवलिंग वी विल हैव वन लगेज लेस, बट वी डिडंट नो लाइक वी हैड टू go for that because without bedroll it's very difficult, aap pata nahi to ye dikkat hai, otherwise baki to mujhe acha laga, acha hai mujhe kafi acha laga, ye technology bhi acha hai, bathroom bhi bahut saaf hai, everything is very fine, aur kafi satisfied hai hum log। पहले जो हम लोग ट्रेन में सफर करते थे उस टाइम का जो मतलब जो प्रोविजन जो था जो रहता था, अभी जो प्रोविजन हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो प्राइसेस में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं इसका थर्ड आदेश इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ओके सी यू देन, अभी इसका रेगुलर ब्लॉग देखते रहिएगा, दिस इज अ सेपरेट ब्लॉग ऑफ कोर्स, दिस इज नॉट विद इन द ब्लॉग वी शिप मेक्स रेगुलरली, ये एक अलग सा एक रिव्यू ब्लॉग है फॉर द थर्ड एसी इकोनॉमी, होप यू लाइक इट, अगर लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका चैनल को जरूर मेंटेन कर दिए उसके साथ रहिएगा, थैंक यू वेरी मच, मीट यू सम टाइम लेटर, और कभी मौका मिलता है तो मेरा चैनल को भी देख लीजिएगा, ओके क्लिनिक का पेशेंट्स का वगैरह का देख लीजिएगा जरूर, थैंक यू।